आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। हमें अंग्रेजी बोलने में परेशानी क्यों आती है? आप अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलेंगे कि हमें परेशानी कहाँ आती है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने में परेशानी आती है, तो क्यों ना हम ट्रांसलेशन के लिए भी, लिखित में भी, बोलने में भी ऐसे शब्द का प्रयोग करें या सीखें या बच्चों को सिखाएं जो बहुत छोटे छोटे हों, उनमें कोई सीखने की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े और अंग्रेजी भी हमारी अच्छी कहलाए। आज मैं वो चीजें लाया हूं आपके लिए, कई सारी हैं, वो चीजें लाया हूं कि आपको कोई परेशानी बोलने में आएगी ही नहीं और लिखने में भी, जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं एग्जाम में तब भी आपको परेशानी आती है। क्यों आती है? आज मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए लाया हूं और लाता ही रहूंगा। यस मैन, चमचा चाटुकार, जी हजूरी करने वाला, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यस मैन, हां मैं हां मिलाने वाला, जी हजूरी, चमचा, अपना फायदा उठाने के लिए लोग जी हजूरी करते ही हैं। यस मैन अंग्रेजी बनेगी केवल, यस तो नो तो सभी को आता है, देख ले मैंने नो का यूज किया है, यस का यूज किया है अनेकों जगह। यस मैन, चमचा, जी हजूरी करने वाला, चाटुकार, यस नो क्वेश्चन किसे कहेंगे? यस नो क्वेश्चन, हा या ना उत्तर वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हा या ना होता है, अर्थात यस या नो, तो उनको कहेंगे यस नो क्वेश्चन। पहली बार सुनेंगे आप ये चीज। यस्टर ईयर, अब यस्टर डे तो आपने सुना होगा, तो यस्टर का अर्थ क्या होता है? यस्टर माने बीता हुआ, डे लगा दो बीता हुआ कल, यस्टर डे। यस्टर ईयर, बीता हुआ साल, पिछला साल। यस्टर वीक, पिछला हफ्ता। यस्टर मंथ, पिछला महीना। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है, तो लोग बात समझ नहीं पाते यस्टर ईयर क्या चीज है। अरे यस्टर माने डे लगा दो आगे, तो यस्टर डे माने बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन। यस्टर ईयर, पिछले साल। नो ब्रेनर, जो अपने दिमाग का यूज ही ना करता हो, अर्थात नो ब्रेनर, आसान काम जिसमें दिमाग का यूज ही ना हो। नो चांस, कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है, ये छटा है। छोटे छोटे देखे आप कितने, दो शब्द हैं, इन्हें याद करने में कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नो चांस, कोई मौका नहीं है। नो डाउट, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, इस बात संदेह से परे है। कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, नो डाउट बोल दो तो हो गया पूरा। नो एक्सपेंस स्पेयर, बिल्कुल पैसे नहीं बचे यार, सारे पैसे खर्च हो गए, जेब खाली, जेब में कुछ ना बचा। नो एक्सपेंस स्पेयर, बिल्कुल पैसे नहीं बचे भैया। नो गो एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया, अर्थात निषिद्ध एरिया, वर्जित स्थान, वर्जित जगह जहां जा नहीं सकते आप। नो हार्म डन, इसके आगे डन भी लग जाता है, नो हार्म, अरे कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान की बात ना है, नो हार्म डन भी लगा सकते हैं आगे, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। नो होपर, निकम्मा, क्या इससे तो होप ही नहीं है, नो होपर, निकम्मा है, कोई आशा ही नहीं है इससे, होप माने होती है आशा। नो मैटर, अब इनको बहुत ध्यान पूर्वक सुने, जरा जरा से सेंटेंस है, याद कर ले, मुझे खुद ही अंग्रेजी निकलेगी फटाफट। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो हो जाए, उसकी अंग्रेजी है ये, कम व्हाट मे, एक और होती है लेकिन उसमें थोड़ी सी कठिनता पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो, देखा जाएगा। नो मैटर वेयर, चाहे कहीं भी, अरे मुझे कहीं भी बुला लो, जहां तुम चाहो वहां बुला लो भाई, पहुंच के मारूंगा, चाहे कहीं भी। नो मैटर वेयर, चाहे कोई भी जगह हो,
कोई भी जगह, कोई भी स्थान हो, बुलाओ मैं चलाऊंगा। नो मैटर हु, चाहे कोई भी हो, कोई खां हो, कोई लाल साहब का बच्चा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हु, इतनी सी बात देखें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, नो मैटर हु। अब देखें, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं। भैया मैं सिगरेट पी रहा हूं, कोई आपत्ति आपको? नो ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलता है स्कूल में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात कोई आपत्ति नहीं। नो पीस फॉर द विकेड, अब इसका अर्थ समझें, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है, जिसने खून किया हो, कोई नहीं जानता हो, चाहे उसका अंतर मन तो जानता है कि उसने खून किया है, उसको कहीं चैन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति को कहीं चैन मिल भी नहीं सकता, कहीं भी शांति नहीं मिल सकती, चैन नहीं मिल सकता। अब जब चैन कहेंगे आप तो नो रेस्ट कहेंगे, नो रेस्ट फॉर द विकेड या किलर, किलर माने खून करने वाला, और पीस माने होती है शांति। नो पीस फॉर द विकेड, दुष्ट आदमी को कहीं शांति नहीं मिलती। कैसी